Bismillahirrahmanirrahim. I am Altaf Ahmed Niazi. Today we'll discuss another side information of Physics 9, Unit 1, Physical Quantities and Measurement, page number 2, which is the quote of Lord Kelvin. लॉर्ड केल्विन कौन था? लॉर्ड केल्विन का देखें साइड पे मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई हुई है। ये एक लेक्चरर था इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर और इसने बहुत ज्यादा काम किया था थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। इसने हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिए हैं, तो उसका एक कोट उसने दिया है कि आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि टू मैयर इज टू नो, किसी चीज को अगर आप मैयर करते हो तो उसके बारे में आप जानते हो। इफ यू कैन मैयर इट यू कैन नॉट, इफ यू कांट मैयर इट यू कांट इम्प्रूव इट। अगर आप किसी चीज को मैयर नहीं करते तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं आ सकती। तो फिजिक्स में आप देखेंगे ये सारी की सारी मैयरमेंट्स हैं। अगर आप एक्यूरेट मैयरमेंट कर सकते हैं तो उसमें आप अपने रिजल्ट्स में उसको इम्प्रूव करते जाते हैं करते जाते हैं। तो उसके नीचे उसने कहा ये भी एक बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है 9th क्लास की फिजिक्स में के राइट द कोट ऑफ लॉर्ड केल्विन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड वाले पेपर में देते हैं, तो इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से तवज्जो से पढ़ना है। तो स्टेटमेंट इसकी सिंपल सी है कि when you can measure what you are speaking about and express it in number, you know something about it. इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर आप उसको मैयर करना कर सकते हैं, किसी चीज को उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में, तो उसके बारे में कुछ आप जानते हैं। बट when you can't measure it, when you can't express it in number, your knowledge is of meager and unsatisfactory kind. तो आपका नॉलेज जो है वो उसके बारे में बहुत कम है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।